राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 8 नंबर कान्हा जी की चोली बनाएंगे। तो मैंने ये 3 प्लाई की वूल ले ली है जिसमें 3 धागे होते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होती है ये वाली वूल। ड्रेस बनाएंगे कान्हा जी की, तो बहुत प्यारी ड्रेस बनती है और बहुत ही सॉफ्ट रहती है। तो चलिए मैं 8 नंबर की चोली बनानी बताऊँगी। तो मैंने क्रोशिया हुक लिया है 11 नंबर का। चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें लूँगी 21 चैन। 21 चैन लेनी है मुझे। तो ये 21 चैन ले ली है मैंने। और मैं लास्ट में आकर थम रख लूँगी लास्ट वाली चैन पर ऐसे, और 3 चैन एक्स्ट्रा लूँगी। 1, 2 और 3। 3 चैन एक्स्ट्रा लेकर और जहाँ मैंने ये थम रखा है इस वाली चैन में ही मैं डबल क्रोशिया बना दूँगी। तो ये जो मैंने 3 चैन ली थी, ये एक्स्ट्रा जो ली थी, तो ये में हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा और 1 ये हो गया। तो अब मैं हर एक चैन के ऊपर जो मेरे पास 21 चैन हैं उनके ऊपर मैं 1 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो देखिए ऐसे ही मैं हर एक चैन पर 1 डबल क्रोशिया बना लूँगी। अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। तो मेरे पास 22 डबल क्रोशिए आ गए हैं फर्स्ट रो में। अब मैं 3 चैन बनाऊँगी। तो 3 चैन बनाने के बाद इसे टर्न करेंगे इधर। फिर हम इसके पास नहीं बनाएंगे, जो 3 चैन बनाई थी इसके पास हमें नहीं बनाना है, नेक्स्ट में। तो हम नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी के अंदर 1 और डबल क्रोशिया। तो अब हमें शुरू में 3 की चैन ली हमने, तो 1 बनाया और फिर हमने नेक्स्ट में 2 बनाए। अब हमें हर एक चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिए बना लेने हैं। तो जो लास्ट की हमारे पास 3 की चैन आई है ये वाली इधर, इस पर भी हमें 1 बनाना है और शुरू में भी 1 बनाना है, और सब पर हमें 2 बनाने हैं। तो हमारे पास सेकेंड रो में 42 डबल क्रोशिए आ जाएंगे। तो ये रो भी मैं अपनी ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी, हर एक चैन पर 2 डबल क्रोशिए बना लूँगी। देखिए मैंने अब हर एक चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिए कर लिए हैं। ये रहे, हर चैन के ऊपर 2 किए हैं और जो शुरू में और लास्ट में 1 किया। तो मेरे पास अब इस रो में 42 डबल क्रोशिए आ गए हैं। 3 चैन बनानी है, 3 की चैन। फिर हम ऐसे टर्न करेंगे, फिर यहाँ इसके पास नहीं, इसके नेक्स्ट वाले में, यहाँ नेक्स्ट वाले में, क्योंकि जब हम सिंपल वूल का वो बनाते हैं ड्रेस या चोली तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होती, पर जब ये वाली वूल होती है तो इसमें थोड़ा हमें दिक्कत होती है कि चैन कैसे लेनी है, कौन सा क्रोशिया लेना है। पर अगर आप इस ड्रेस को बनाओगे या इस चोली इसी तरह से बनाओगे तो बिल्कुल आपके कान्हा जी के फिट आएगी। तो आप 7 और 8 दोनों कान्हा जी को इसे बना सकते हैं। तो 1 3 की चैन बनाई मैंने, 1 3 की चैन, उसके नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट चैन पर मैं 1 बनाऊंगी। तो ये 3 हो गए मेरे पास, 1 2 3। अब जो नेक्स्ट चैन है उसमें मुझे 2 बनाने, 1 और इसी के अंदर 1 और। तो पहले मैंने 3 की चैन बनाई, नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया और फिर नेक्स्ट में मैंने 2 बनाए। तो ये शुरू में मेरे पास 3 आ गए हैं, फिर मैंने इसमें 2 बनाए। अब हमें 6 चैन में हमें 1 बनाना है, 7 चैन पर 2 डबल क्रोशिए बना लेने हैं। तो ये मैंने 3 में 1 2 3 में 1 1 किया है, 3 4 6 चैन में मैंने 1 1 किया है और मेरे पास ये 7 चैन है, 7 चैन में मैं 2 करूँगी, 1 और इसी के अंदर 1 और करना है।
तो अब हमें सेवन्थ चैन पर दो करने हैं और सिक्स चैन में एक एक करना है। तो ऐसे ही मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी तो मेरे पास 48 डबल क्रोशिए आ जाएंगे। मुझे इस रो पर सिक्स इंक्रीज करने हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ ये लास्ट में हमारे पास यहाँ दो आए थे, फिर हमारा एक, फिर एक, और जो लास्ट चैन है तीन की उस पर फिर एक बना देंगे। तो अब हमारी शुरू में भी तीन आए थे, एक चैन और दो डबल क्रोशिया अलग अलग किए थे, और लास्ट में भी हमारे पास तीन डबल क्रोशिया आई हैं, एक दो तीन। तो ये ऐसे मिलकर हमारे पास सिक्स हो जाएंगे, इधर भी तीन और इधर भी तीन। अब हम तीन की, तो हमारे पास अब तीन की चैन बनानी है, तीन चैन, तीन की चैन बनाने के बाद नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। तो तीन की चैन मिलाकर हमारे पास फोर हो गई हैं, वन टू थ्री फोर। तो एक तो तीन की चैन बनाई थी, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक और एक। तो ऐसे करके शुरू में हमारे पास चार डबल क्रोशिया आ गई हैं, और फिर नेक्स्ट चैन में हमें फोर्थ चैन में दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसी के अंदर एक और बनाना है। तो इसमें हमने दो बनाई हैं। तो अब हमें सात चैन में तो एक एक बनाना है। पहले हमने सिक्स चैन में एक एक बनाए थे, सातवीं पर दो किया था, अब हमें सात चैन पर, सेवन चैन पर दो दो बनाना, एक एक बनाना है, और एट्थ चैन पर दो बनानी है। तो ऐसे ही मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो इसमें भी मैं सिक्स डबल क्रोशिया इंक्रीज करूँगी तो मेरे पास इसमें 54 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। ये राउंड मुझे ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये रो हमने ऐसे ही कंप्लीट कर ली है। तो मैंने यहाँ हमारे लास्ट में दो डबल क्रोशिया कर दिए एक चैन में, फिर एक चैन पर एक चैन, जो लास्ट में तीन की चैन आई थी इसके ऊपर एक करना है। तो लास्ट में अब हमारे तीन डबल क्रोशिया आए हैं, तो शुरू में उधर हमारे चार आए थे, चार डबल क्रोशिए, और लास्ट में तीन आए हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सेवन डबल क्रोशिए आ जाएंगे इधर। अब तीन चैन, अब हम तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाने के बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, तो एक तीन की चैन लगी, काउंट हुई हमारी एक तीन की चैन, एक दो, दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर नेक्स्ट में एक करना है, तो फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, तो हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः और एक नेक्स्ट में करना है सात। तो हमने छः डबल क्रोशिए के ऊपर छः डबल क्रोशिए कर लिए हैं एक एक, और जो ये शुरू में है चैन तीन की तो ये भी काउंट होगी, तो सात डबल क्रोशिए हमारे आ गए हैं। अब हमें नेक्स्ट में यानी कि अपनी नेक्स्ट चैन में सातवीं चैन में दो डबल क्रोशिए कर लेने हैं। तो शुरू में हमने एक एक किया, अब इसमें हम दो डबल क्रोशिए कर लेंगे। फिर अब हमें 12 चैन में एक एक करना है, और 13वीं चैन पर हमें दो डबल क्रोशिए कर लेने हैं। तो पहले अब हम 12 पे करेंगे, 12 पर एक एक डबल क्रोशिया, तो 12 जो हमारी चैन है, 12 चैन पर हमें वन वन डबल क्रोशिए करने हैं, और 30 चैन पर हमें टू डबल क्रोशिए करने हैं। तो ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, 8 आ जाएंगे, क्योंकि इस वाली रो पर हमने अपनी फिफ्थ रो पर फोर इंक्रीज करेंगे, इस फिफ्थ रो पर हम सिक्स इंक्रीज नहीं करेंगे, फोर करने हैं। तो हमारे पास इस वाली रो में 58 डबल क्रोशिए आ जाएंगे। तो मैं इस रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मेरे पास ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है अपनी, 1 2 3 4 5 रो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली हैं।
अब मैं अपनी सिक्स्थ रो पर हूँ। सिक्स्थ रो पर मुझे 58 डबल क्रोशिया आए थे मेरे इसमें फिफ्थ रो में, तो इसमें मुझे 58 के ऊपर 58 ही करनी है, ना तो मुझे कोई इंक्रीज़ करना है, और तो मैं 58 के ऊपर 58 ही डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो इस रो को मैं अपनी सिक्स्थ रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी, 58 के ऊपर 58 ही डबल क्रोशिए बना लूँगी, 58 के ऊपर 58 बना लूँगी। तो देखिए मैंने अपनी सिक्स रो कंप्लीट कर ली है, 58 के ऊपर 58 बना दिए हैं। अब तीन चैन, अब हम अपनी आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाएंगे तो पहले हमें एक तीन की चैन ले कर ली है हमने, नेक्स्ट मेक करेंगे तो हम फ्रंट पर 8 डबल क्रोशिए करेंगे, 8 करेंगे, एक तो हमारी तीन की चैन काउंट होगी और हमें 7 डबल क्रोशिए करने हैं। एक हमें तीन की चैन काउंट होगी, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 डबल क्रोशिए हमारे फ्रंट में आ गए हैं ये। अब हमें 13 स्किप करने हैं, 13 डबल क्रोशिए स्किप करने हैं, 13 चैन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 स्किप कर 14 चैन में हमें डबल क्रोशिया करना है। तो जब हमारे फ्रंट पर 8 थे तो बैक में हमारे उसके डबल आएगा 16, तो हमें बैक में फिर 16 करने हैं, फिर 13 स्किप करने हैं, 13 स्किप करके फिर हमें फिर 8 डबल क्रोशिए करने हैं। तो ये हम ऐसे ही आर्म होल बना लेंगे। तो मैं अब बैक में 16 डबल क्रोशिए कर लूँगी, 16 डबल क्रोशिए करने के बाद फिर मैं 13 स्किप करूँगी आर्म होल बनाने के लिए, फिर मैं फ्रंट में फिर 8 डबल क्रोशिए बना लूँगी। तो मैं इस रो को अपनी को लास्ट को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी, आए फ्रंट में और 16 मेरे बैक में आए हैं इस वाले। 32 डबल क्रोशिए कर लूँगी तीन चैन बनाकर, फिर हर एक चैन पर अब एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो जितने मेरे पास आए हैं 32, तो 32 के ऊपर ही मैं 32 डबल क्रोशिए कर लूँगी। तो देखिए चोली हमारी रेडी है, ये 8 नंबर कान्हा जी की, ये 8 और 9 दोनों कान्हा जी की आ जाएगी, 7 के भी आ जाएगी, 7 8 9 तीनों नंबर कान्हा जी की आ जाएगी। तो मैंने अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर ली है, और मैं ये जो तीन की चैन है, तीन की जो चैन है इसमें ले जाकर मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी, यहीं कट कर दूँगी इस वूल को, और मैं इसे रेड वाले से यहाँ किनारी बना लूँगी। किनारी में आपको कुछ नहीं करना है, देखिए किनारी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से ये जो हमने एक ये तीन तीन चैन बनाई है, इन तीन तीन चैन में ही हमको हमें ये जो तीन तीन चैन बनाई है इसी में हमें दो दो सिंगल क्रोशिए बनाते जाने हैं। नेक्स्ट में यहाँ दो बना देंगे, फिर नेक्स्ट में दो बना देंगे, दो, तो ऐसे ही ये जो हमने शुरू में तीन की चैन आ रही है हमारे पास हर रो में, तो इनमें हमें ऐसे ही दो दो सिंगल क्रोशिए बनाते जाने हैं, और ये हमारा ऐसे ही बॉर्डर बन जाएगा। ये रहा, ऐसे ही बॉर्डर बनता चला जाएगा। तो हमारी ऐसे देखो कंप्लीट हो गई है, ये रहा। तो हमने दो दो सिंगल क्रोशिया हर एक चैन में बना लिए हैं हर एक रो पर। अब हमने लास्ट में बनाई हैं दो, फिर एक चैन लेने के बाद फिर हम यहाँ आ जाएंगे अपने ऊपर बैक पर, यहाँ आ जाएंगे बैक में। तो इसमें हमें फिर एक यहाँ एक और दो दो डबल क्रोशिए स्किप करने के बाद यहाँ थर्ड वाले में दो बनानी है। तो हम ऐसे ही इसे भी कंप्लीट कर देंगे, यहाँ भी हम दो दो डबल क्रोशिए स्किप करेंगे पीछे, यहाँ बैक में आएंगे तो हम यहाँ दो दो डबल क्रोशिए स्किप कर देंगे, फिर दो करेंगे। तो ऐसे ही मैं ये दो दो स्किप करती जाऊंगी बैक में पीछे, फिर मैं ऐसे ही पीछे कर लूँगी, और मुझे आगे का फिर ऐसे ही करना है।
जैसे मैंने ये किया था ये वाला, तो ऐसे ही मुझे ये करना है। ये भी मुझे हर एक रो पर, ये जो हमने ये रे ये हमारे तीन चैन आई थी, इन्हीं में मुझे दो दो सिंगल क्रोशिए करते जाने हैं। तो ऐसे ही मैं इसे बॉर्डर बना लूँगी, ऐसे ही मैं बाजू पे बना लूँगी। बाजू पे भी मुझे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते जाना है, दो दो डबल क्रोशिए स्किप करने हैं, फिर इसमें बीच में बनाना है, फिर दो स्किप, फिर ऐसे करके। तो देखिए हमारी ये चोली कितनी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी चोली बनकर रेडी है। और बिल्कुल आप ऐसे ही बनाएंगे इस वाली वूल में तो फिट बनेगी, अगर आप सिंपल में भी बनाएंगे तो सिंपल में भी ऐसे ही बनकर आएगी। तो आप इस चोली को ज़रूर बनाइए 8 नंबर कान्हा जी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।